बच्चे लोग ना बेटा, भाई चलो मास्क लगाइए, तो जो मास्क नहीं लगाए हुए बच्चे लोग अंदर जाओ, इतना अनावश्यक भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी बच्चे लोग किनारे हो जाओ, सब लोग मास्क लगाओ। आप लोग ऐसी कोरोना चल रहा है, बिना मास्क के बैठिए मत। हाँ बढ़िया, एक लाठी पुलिस की तरफ से निकली सिंगल। पुलिस जब अंदर माता जी घुसी ही नहीं तो पुलिस कैसे मारेगी? शौच आपको पता है मैं कितने बजे तक यहाँ था? मैं रात 2 बजे तक यहाँ रहा। अब आप किससे भैया, आपको कैसे लग गया, क्यों लग गया, पर इसमें पुलिस का एंगल नहीं है। पुलिस अंदर घुसी नहीं है यार, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। आप वीडियो देखो, अंकुर ये भाई साहब पीछे बैठे, आपकी कैसे चोट लगी? अरे हमका साहब ये जहाँ लौटते खड़े इनके पीछे हमका मारे यहाँ पर इनके मारे लुटा लुटा मारे लाठी मारे हम सीधे नेता। और अभी जो लोग कह रहे थे कह रहे थे हमको मारा हमको मारा लुटा लुटा जहाँ लौटते खड़े ये जब खाले मारे यहाँ पे लोग को पीछे बैठे हुए ये माता जी बैठी हैं साइड में बैठी हैं। अरे हम तो चोटे लगी हो ना, अगर हम तो हमरे पास नहीं है, लेकिन दादा मार रहा है ना देखो चल के देखो आप चल के देखो नहीं मैं इसीलिए मैंने किसी को फोन किया था, आपको ही रात को फोन किया था ना कि सर आप देख लीजिए। हाँ हाँ हमारे लोग अच्छा बताइए मूर्ति तो पहले ही लग गई थी, मूर्ति तो पहले डंडा चलाओ लाठी चलाओ, मूर्ति जब लगी है तो फोर्स फोर्स थी उस टाइम, मूर्ति तो पहले लग गई उस टाइम कैसे लाठी चल सकती है? अब बताइए। अच्छा ये मूर्ति का बाबा साहब की तारीफ है, का सम्मान है और कायदे से रखी हुई है। बाबा साहब उतने ही मतलब सेक्रेड हैं जितना आपके लिए हैं, पूरे कंट्री के लिए उतने ही सेक्रेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जैसा व्यक्तित्व तो शायद ही दो चार लोगों का होता है। भाई ये बताइए आप लोगों को जब मूर्ति लगानी थी आप परमिशन ले लेते? नहीं ये तो मैं नहीं, आप ये बताओ जैसे बाबा साहब की मूर्ति लगनी है आप एक बार परमिशन ले लेते, हम ही लोग या SDM साहब कहीं ना कहीं पे जमीन चिन्हित भी करा लेते, भाई मूर्ति लगने की बात थी, बाकी लोगों को विवाद भी नहीं होता, भाई कोई समस्या नहीं होती किसी की तरफ। तो जब इस तरह से लग गई एकदम से रातों रात, अब SDM साहब आए उसमें बाकी लोग आए, सरकारी जमीन में जब इस तरह चीज़ होंगी तो आपको पता है ठीक है, नहीं तो उस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने की बात ही नहीं। आपने रात में बताया ना कि तो इलीगल हो चुका है आपकी, अब मूर्ति बिना कोई परमिशन की होता नहीं, आप जानते ही हो, आप जानते ही हो। नहीं तो मैं तो अपने लोगों से ही बोला कि आपने बिना पूछे क्यों किया ये बात, अच्छा लेकिन हमें पता चला कि मारा गया, तो अब मैं तो यहाँ पर दोनों बात सुनने के लिए आया ना सर। अब मैं आपकी बात सच्चाई कर दूँ कि आपने नहीं मारा, इन्होंने नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं, तो ये तो इसीलिए हम लोग आए कि कम से कम जो भी बात है ओपन फोरम में सबके सामने बात होनी चाहिए। कोई बात किसी से छुपी नहीं है, कोई बात किसी से जो चीज़ नहीं हुई देखिए उस चीज़ की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। हाँ जो चीज़ हुई है उस चीज़ की हम पूरी बात बताएंगे आपको, इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, ना किसी साथ हम गलत होंगे ना किसी साथ हम गलत करने देंगे। बिल्कुल सर, हम तो नहीं चाहते हमारे लोग साथ गलत हो, क्योंकि बहुत गरीब हमारे लोग सर, आप लोग अब अभी ड्रामा में हमारे लोग इलाज कराने के पैसे नहीं उनके पास, उनके उनकी हेल्प कर रहे हैं हमारे लोग, कैसे कैसे नहीं, पूरी सहायता मिलेगी भाई पुलिस की तरफ से, किसी किसी के साथ कोई नहीं। ये वर्दी हमें विश्वास दिलाती कि हम ये हम सुरक्षित है, अगर हम वर्दी के वर्दी से डरने लगे तो बेकार है सर ना। नहीं वर्दी से डरना क्या भाई, हम आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए तो पुलिस और किसके लिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए आई हैं। कोई कोई समस्या वाली बात नहीं है भाई, जिसको कोई शिकायत है लेखपाल ने जाति सूचक सब बोला सर। किसने? लेखपाल सर, लेखपाल के विषय हम बताएंगे सर। बताओ आप, बताइए लेखपाल सर, ये कह रहे थे कल आज उन्होंने कहा लेखपाल का नाम बोल दिया, इतनी हिम्मत जो मुड़े रखेंगे लेखपाल ने कहा सर। लेखपाल का जरा नाम बोल दीजिए, लेखपाल का नाम हमें नहीं पता है,
ये तो गलत है, ये जातवादी का मसला सर, हम शांत नहीं बैठेंगे सर। जातवादी ये बताओ कब कहा नेपाल जब कल आए थे? कल लेखपाल अकेले तो आए नहीं, बात है उसने एक साथ में दीवान जी थे। कौन दीवान जी थे? आपके सामने इस तरह कोई बात हुई? आप थोड़ा दूर चले गए थे, नेपाल ने कहा था कि आपके सामने बात हुई उसकी हमारी जिम्मेदारी है, आपके लोग ने मेरे घर को नहीं कहा था पहले मेरे आने से। आप नहीं बोले, थोड़ा दूर नेपाल बोला था आपने, शब्द बोल रहा है या कोई भी इस तरह की कोई चीज कर रहा है, ठीक है, इस तरह कंप्लेन आती है तुरंत एक्शन लेते हैं भाई। 24 घंटे में आप बताओ, 24 घंटे से फोर के यहाँ 20 बार निकल गई, 50 लोग 50 लोग आ गए, मतलब अब तक कोई किसी प्रधान जो है आप ये बताइए, ये लोग क्या ये कह सकते हैं आपसे? जो लोग लाठी खा रहे हैं ऑलरेडी ये बताइए, ये हमसे कहेंगे? जितने तथ्य वो देखेंगे, लेकिन सर मैं ये कहता हूँ कोई एक पक्ष की तरफ से नहीं बोलेंगे, ना ही पुलिस की तरफ से बोलेंगे, ना ही मन की तरफ से बोलेंगे, दोनों निर्णय निकलना चाहिए। देखिए सर, बता दें कि हम बेगुनाह हमारे लोग मारे जाते हैं सर, मैं भी 8 बार जेल गया हूँ और मैंने देखा बहुत कुछ। ये आप लोग आप बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी हैं आप हमारे सीनियर हैं, बेटा बेटा या भाई की तरह हूँ आपके, चंद्रशेखर भाई जानते हैं, बड़े भाई हैं। तो देखिए सर, हम नहीं चाहते हमारे लोग मार खाओ, ना अपने लोगों को मार खाते नहीं देख सकता। देखिए आप प्रशासन की इज्जत करते बहुत करते, और हम हाथ उठाते हुए इसलिए नहीं सोचते, देखिए हमारे लोग भाई ये वर्दी के पीछे हमारे लोग ये कौन है? खाली वर्दी तो पहन के स्टार लग गया, और ये अपनी एजुकेशन के माध्यम से आप पढ़ के जा करके एग्जाम दे करके आप पढ़ के आप मेरे जैसे लोग बात सुनेंगे, अच्छा नहीं होगा ना सर। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब एक साथ रहें, कोऑपरेट करें, बिल्कुल एक साथ। अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी ना। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल निष्पक्ष काम होगा जी, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई जबरदस्ती कोई किसी से कोई काम नहीं करा पाएगा, ना ही किसी के साथ हम जो है कोई जबरदस्ती होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर बात, स्पष्ट बात कह रहा हूँ भाई। आप भाइयों कोई समस्या हो, कुछ भी हो, आप सीधे मेरे ऑफिस आ सकते हैं, मेरे नंबर पे आप 1492 पे आप फोन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी टाइम ऐसा होता है कि फोन ना उठाऊं। नहीं आप फोन है, आपने रात को मुझे कॉल बैक करी, डरे हुए भी काफी, इसीलिए डर को दूर करने तो आए हैं। घर घर में लोग भाई, इसीलिए इसीलिए ओपन ओपन फोरम पे बात हो रही है, आप बुलाइए सबको, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। अभी पुलिस सर, 2 बच्चों पर मुकदमा हुआ है, 2 बच्चों हुआ है ना सर, नहीं देख सकता हूं मैं, क्या चलो हम देख बाकी सभी हो, ठीक है, देख लीजिए सर। बिगार मूर्ति हटाना तो आप मुझे एक बार कॉल कर लेते, आप हटा के शिफ्ट कर लेते हैं। प्रधान की ये प्रधान से हुआ था, प्रधान की सहमति से पलट गए प्रधान का। यार मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे आचार संहिता लग गई, प्रधान का क्या रोल रह गया? प्रधान की सहमति खत्म हो गई सर, यहाँ तो प्रधान है भी नहीं, नगर निगम बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है, अब उनके लिए तो वही नेता है ना। ठीक है, चलिए अब तो मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, अब एक गलती तो हो ही गई, ठीक है। ऊपर से दूसरी चीज ये है कि प्रशासन के ऊपर आप लोगों ने पथराव कर लिया, आप जाके वहाँ पत्थर देखिए बड़े बड़े जो पड़े हुए हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा, वो मौका आपको खुद बताएगा, मैं नहीं कह रहा कुछ, आप जाके मौका देखें। ऐसा जिन्होंने किया है उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, रिक्वेस्ट ये है जो इन बच्चों को पहली बार मुकदमा उड़ा दे, वो थोड़ा सा मूर्ति अगर वापस कर देंगे तो आपको मूर्ति आप सम्मान वापस, मूर्ति बिल्कुल सम्मानजनक रखी हुई है क्योंकि 14 अप्रैल आ रही है, आप लोग बाद में परमिशन ले लें, ठीक है। आप लोग परमिशन करेंगे, मुझे सर हमने आते ही पहले समझाया कि आप लोग की गलती, परमिशन नहीं थी तो हम लोग बगैर परमिशन कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग कानून के हिसाब से सही बात है। अम्बेडकर वादी हम लोग, जहाँ भी जाते हैं एक ही चीज बताते हैं, खासकर नौजवानों के लिए,
एक बार अननेसेसरी किसी भी मुकदमा लग जाता है तो फिर उसके बाद आपका बच्चा करियर के लिए बाकी चीजों के लिए फिर उसको नुकसान होता है। कम से कम यार हम भी कोशिश ये करते हैं कि अननेसेसरी कोई ना आए, ठीक है। लेकिन यार अब जब एकदम फोटो एकदम क्लियर आ रहा है लाठी चलाते हुए डंडा मारते हुए तो भाई तो ये समस्या होती है। खैर ठीक है, चलिए उसको हम दिखाएंगे। बाकी किसी गांव वाले को बिल्कुल आप हमारी तरफ से आश्वस्त रहिए, किसी के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई नहीं। जब तक आपका यहाँ पर कार्यकाल है तब तक हमारे लोग यहाँ पे नहीं, अगर कोई गलती हो तो आप उन पे पूरा 100% देखिए सब हमारे ही लोग हैं, कोई ऐसा नहीं कि हमारे आपकी कोई वो है बीच में कोई अलगाव है, सारे हमारे लोग हैं, सब यूनिफॉर्म लेवल पे वर्दी खाली पहनते हैं, बस बस इसलिए किसी के साथ कोई जाति नहीं, किसी के साथ कोई गलती नहीं है। बाकी मैं सहारनपुर से आया हूँ, आप मुझे जो है आप उनसे पूछ लीजिएगा मेरे बारे में, बाकी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जी जी जी, बात नहीं, आप मेरे नाम से पूछ लीजिएगा, उनको पता है, तो किसी सबके साथ निष्पक्ष होगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, चिंता रहित रहिए। 14 तारीख को आप लोग क्या करते थे, आप क्या पहले कैसे करते थे, आप ये बताओ पहले कैसे होता था, उससे पहले कैसे करते थे। जयंती नहीं, वो उसकी बात नहीं, मूर्ति की बात, मूर्ति की बात नहीं, मनाएंगे इस बार, नहीं नहीं वो नहीं कह रहा, मूर्ति वाली बात नहीं कर रहा, 14 अप्रैल को मनाते हैं ना लोग, पहले कैसे मनाते थे, भंडारा करते हैं, जो भी करते हैं, आपका मोहल्ला है, आपका गाँव है, अपने गाँव में कुछ आप लोग जैसे अपने गाँव में मास्क लगा के आपको जो करना है आप करें, ठीक है, लेकिन उसको पब्लिकली ऐसा ना करिए भाई कोविड फैलने लगे, कोविड सिचुएशन आप देख रहे हैं लखनऊ में डेली 70,000 केस आ रहे हैं, तो भाई ऐसी सिचुएशन क्रिएट मत करिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि बेसिकली मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ या आपके त्यौहार के लिए कुछ कह रहा हूँ, फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ, अस्पतालों में जगह नहीं है, ठीक है, और एक बार भी किसी के परिवार में कुछ हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज्यादा सक्षम, मुझे ही हो जाएगा तो मैं ही 10 लाख रुपए खर्चा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना बता रहा हूँ, छोड़िए, तो कम से कम किसी परिवार में इस तरह की समस्या आना है तो कम से कम वो सब चीजें मत करिएगा, बाकी आप छोटा मोटा कहीं पूजन अपना करना चाहते हैं, कुछ होता है अपने घर में आप रह के आराम से करें, हमें कुछ बाद में कोई कुछ नहीं कहेगा, आइए आइए सामने आइए, आइए सामने आइए, और एक एक आदमी बोलेगा, मास्क लगा कर के एक आदमी है, बाकी कोई नहीं बोलेगा, खड़ कर क्या बोल, अरे वो हो जाएंगे, आप आगे इधर भैया बता रहे हैं, ये माता जी, ये माता जी, एक 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 लोग आइए, एक लोग आइए, एक एक लोग आइएगा, नाम नोट कर लो, ये देखिए हाथ में बोलो, दिखाएंगे दिमाग से हो जाएगा, बातचीत नहीं करते, अब चलिए एक सर चोट खा सकता है, दो तीन लोग, मैं इनमें लोग ऐसे हैं, मुझे तो 24 घंटे में हमारे पास कोई सुन नहीं, ये बहुत डरे हुए थे, ये तो दहशत थी, घर से नहीं निकले थे, आप इससे पहले आप आते तो यहाँ पूरा सन्नाटा पड़ा था, ये देखिए जो भी होगा, मतलब किसी का ऐसा मैं नहीं करूंगा, कोशिश ये करेंगे कि बेसिकली आपके मुझे तो नुकसान ना हो, लेकिन भाई आप लोग की जिम्मेदारी है, जब आप समझदार समाज की तरफ से बात कर रहे हो तो कम से कम समाज के लोग ऐसा काम ना करें, तो समाज के खिलाफ समझ रहे बात, भाई आपको जनरेशन अपनी आगे बढ़ेगी, हमें सब साथ लेके बढ़ना है, वहाँ से खुद भाग गई, 8 लोग थे, कैसे पुलिस मार देगी आपको, मुझे ये बताओ, मुझे इसे समझाओ आप, सामने खड़े हो, बताओ रात में देखा नहीं गया, जब बहुत पुलिस नहीं, महिला पुलिस सब पाता पाता कर हमने देखा, बाल बच्चे हमारे भी हैं, कितने बजे समय था, करीब 7 के बाद के है, 7-8 के बीच के है, कहते 6 बजे बाद कोई जब लड़की चली गई है, कोई महिला नहीं, ये सारा कुछ मूर्ति उठाने समय हुआ है, 9 बजे मूर्ति उठाने समय तो मूर्ति सिर हुआ है, उठने के बाद गाड़ी रखी गई है, उधर बाहर है, उधर मूर्ति खुद ही रहेगी,
ये खुशी क्रिएट चलिए सर आपको मैंने क्लियरली बता दिया सारी चीजें बाकी सर यहाँ पर देख लीजिए मूर्ति का जो प्रक्रिया होगी वैसे हम लोग कराते हैं।